हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फ्लो ऑफ ज्ञान। आज हम प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे और प्लैनेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्लैनेट्स क्या होते हैं। प्लैनेट्स जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है वो डिफाइन करती है प्लैनेट को। प्लैनेट एक ऐसी कोई ऐसी बॉडी जो सन के परिक्रमा करती है और वो इतनी बड़ी हो, एक एस्फेरिकल शेप भी ग्रहण करती हो, एस्फेरिकल शेप एक गोलीय शेप ग्रहण करती हो और उसका खुद का एक डिफाइंड पाथ हो जिस पे वो चक्कर लगा रही हो, तो इसे कहा जाता है प्लैनेट्स। प्लूटो क्या था? प्लूटो पहले प्लैनेट माना जाता था लेकिन बाद में प्लैनेट की श्रेणी से हटा दिया गया। अब वो ड्वार्फ प्लैनेट की श्रेणी में रखा गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि प्लूटो क्या करता है, नेपच्यून के ऑर्बिट को क्रॉस कर देता था, इस कारण से अब उसे दूसरी श्रेणी बनाई गई है, न्यू कैटेगरी है, उसमें रखा गया है। तो इससे पता चलता है कि अगर सन के चारों तरफ कोई बॉडी चक्कर लगा रही है तो एक तो बड़ी बड़ी साइज में होनी चाहिए, दूसरा एस्फेरिकल शेप ग्रहण करनी चाहिए और तीसरी बात आती है कि उसका ऑर्बिट डिफाइंड होना चाहिए जिस पे वो चक्कर लगा रही है। अब हम चलते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लैनेट के बारे में समझेंगे। प्लैनेट्स के दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं मेनली। तो पहला है इनर और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, दूसरा है जाइंट और जोवियन और गैस प्लैनेट। इनर प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट की श्रेणी में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं। जाइंट और जोवियन और गैस प्लैनेट की श्रेणी में जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है इनर प्लैनेट का और आउटर प्लैनेट का वो कैसा होता है। इनर प्लैनेट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इनर का पहले समझते हैं, तो आयरन कोर होता है, सॉलिड होता है, उसके बाद लिक्विड आयरन कोर होता है उसके ऊपर, और सिलिकेट का मेंटल होता है, उसके बाद क्रस्ट जो होती है वो सिलिकेट की होती है। तो ये हम समझ लिए पहले इनर प्लैनेट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर को। अब समझते हैं आउटर प्लैनेट के इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो इसमें कोर जो होता है सिलिकेट का होता है और जो उसके ऊपर कोर होता है, इनर कोर हो गया, फिर आउटर कोर हो गया, आइस कोर होता है और जो लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन भी होते हैं, लिक्विड हाइड्रोजन भी होते हैं और गैसियस हाइड्रोजन होते हैं। तो ये मेंटल का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम समझते हैं कि इनका बेसिस जो है क्लासिफिकेशन करने का वो क्या है। पहला है कंपोजिशन, टाइप्स, उसकी टाइप क्या है, उनकी विशेषता क्या है, करैक्टरिस्टिक्स क्या है और एग्जांपल्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेरेस्ट्रियल और रॉकी प्लैनेट जो होते हैं वो बेसिकली रॉक्स के बने होते हैं, मेटल के बने होते हैं, उनकी हाई डेंसिटी होती है, सॉलिड सरफेस होता है, कोई रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता है वहाँ पर पाया जाता है, फ्यू सैटेलाइट भी होते हैं इनके। तो इनके एग्जाम्पल हैं मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। जोवियन जो जुपिटर लाइक प्लैनेट होते हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम के बने होते हैं, लो डेंसिटी होती है, रैपिड रोटेशन होता है इनका, डीप एटमॉस्फेयर होता है, रिंग भी पाई जाती है यहाँ पे और लॉट्स ऑफ सैटेलाइट भी होते हैं इनके। तो इनके एग्जाम्पल हैं जो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। अब एक दूसरा जो इसमें श्रेणी में अनदर प्लैनेट की श्रेणी में प्लूटो आ गया। साइज के आधार पर चलते हैं तो स्मॉल प्लैनेट होते हैं, जिनकी साइज 13,000 किलोमीटर से कम हो वो उनको बोला जाता है स्मॉल प्लैनेट। इसमें मरकरी भी एक लेसर प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स आते हैं। जाइंट प्लैनेट वैसे प्लैनेट हैं जिनका डायमीटर 48,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो, इनको गैस जाइंट भी प्लैनेट भी बोला जाता है। इनके एग्जाम्पल हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। पोजिशन फ्रॉम द अर्थ। इन्फीरियर प्लैनेट कौन होते हैं? जो सन के नज़दीक होते हैं और उन फेजेज को शो करते हैं, जैसे मून शो करता है डिफरेंट फेजेज को। मरकरी, इसके एग्जांपल है मरकरी, वीनस। सुपीरियर प्लैनेट जो होते हैं सन से दूर होते हैं, सन से दूर होते हैं लेकिन अर्थ से दूर उतने नहीं होते हैं, ये फुल स्ट्रक्चर शो करते हैं, इनका पूरी आकृति शो होती है। इसमें आते हैं मार्स टू प्लूटो। अनदर जो प्लैनेट इसकी श्रेणी है सुपीरियर प्लैनेट में वो अर्थ है। हिस्ट्री के आधार पर जो पहले से जाना गया प्लैनेट है जैसे प्री हिस्टोरिक टाइम से, वो है मरकरी, मार्स, जुपिटर, वीनस और सैटर्न। मॉडर्न जो प्लैनेट्स हैं
जो आधुनिक समय में जाने गए वो हैं यूरेनस, नेपच्यून और अनदर प्लैनेट की श्रेणी में फिर एक बार आ जाता है हमारी पृथ्वी। अबाउट प्लैनेट्स, अब हम पढ़ेंगे प्लैनेट्स के बारे में। जो ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स है एज अ डिस्टेंस फ्रॉम सन, सन से डिस्टेंस के आधार पर कैसे होता है वो समझते हैं। इसके लिए निमोनिक्स है, वो निमोनिक्स है माई वेरी एफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नट। तो ये निमोनिक्स से आसानी से याद करने में सुविधा होती है, इसलिए निमोनिक्स बनाया गया है। तो पहला हो गया इसमें डिस्टेंस के आधार पर, सन से डिस्टेंस के आधार पर जो प्लैनेट होते हैं वो हैं मरकरी, वीनस, पहला मरकरी, सन के बाद मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून। अब ऑर्डर ऑफ प्लैनेट एज पर साइज, अब उनके साइज के आधार पर जो प्लैनेट का ऑर्डर है वो कैसा है, तो उसके लिए भी नोमोनिक्स है। मरकरी मेट वीनस एवरी नाइट अनटिल सैटर्न जम्प्ट। तो मरकरी से बना, मरकरी से मरकरी बना, मेट से मार्स बना, और वेनस से वीनस, फिर अर्थ, फिर नेपच्यून, फिर यूरेनस और सैटर्न, देन जुपिटर। अब हम समझेंगे प्लैनेट्स के बारे में। तो जो सन के बाद आता है मरकरी, वो क्या है, सन से क्लोजेस्ट प्लैनेट है और दूसरा सबसे छोटा प्लैनेट है। इसका डायमीटर 40% स्मॉलर होता है पृथ्वी से और 40% लार्जर होता है मून से। ये क्या है, स्मॉलर होता है जुपिटर मून से भी, जो जुपिटर के मून हैं वो गैनीमेड है, और सैटर्न मून जो है वो टाइटन है। इन जुपिटर के जो मून हैं गैनीमेड और सैटर्न के मून से, टाइटन से, ये छोटा होता है। अब मरकरी स्काई जो होती है वो ब्लैक होती है। ब्लैक क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कोई एस्फेयर नहीं है, तो वो टू कॉज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग भी लाइट नहीं होती है कोई एटमॉस्फेयर के नहीं होने के कारण। इंटर क्रेटर और स्मूथ प्लेन्स सरफेस पाए जाते हैं। इट्स डस्ट कवर्ड हिल्स एरिया पाए जाते हैं जो कांस्टेंट इरोजन हुए हैं, किसकी वजह से, मेटोराइट के बम्बार्डमेंट से। मल्टी रिंग्स पाई जाती हैं वहाँ पे, एक्सट्रूजन ऑफ बेसाल्टिक लावा है, सल्फर की मात्रा 70-80% इसके कोर में पाया जाता है, और टेम्परेचर यहाँ का 454 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हमने समझा मरकरी के बारे में। मरकरी को नासा ने मैसेंजर प्रोब 2004 में यहाँ पे लगाया हुआ है, जो जिससे वहाँ के बारे में पता चलता है। तो यहाँ का जो ऑर्बिट टाइम है वो 88 अर्थ डे है, जैसे अर्थ सूर्य के चक्कर पूरा करने में एक दिन लगा 24 घंटा लगाता है, एक दिन पूरा में पूरा करता है, यहाँ 88 अर्थ डेज लगते हैं। और एक दिन का जो समय अंतराल है वो है 59 अर्थ डे, पृथ्वी के 59 दिन के बराबर यहाँ का एक दिन है। अब चलते हैं हम वीनस के बारे में। वीनस जो है ब्राइटेस्ट स्टार होता है स्काई में, चमकदार तारा है, और इसको पृथ्वी का सिस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि साइज और शेप में, मास में, वॉल्यूम में, डेंसिटी में वो पृथ्वी से मिलता जुलता है। और हेवी एटमॉस्फेयर होता है जो मेनली कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है, वहाँ कोई वाटर वेपर नहीं मिलते, इट्स क्लाउड और कंपोज्ड ऑफ ड्रॉपलेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे जो बारिश होती है वो सल्फर की एसिड रेन होती है। हाई टेम्परेचर जो प्राइमरी ड्यू टू रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, यहाँ पे CO2 की उपलब्धता के कारण यहाँ पे हाई टेम्परेचर पाया जाता है, और 85% ऑफ सरफेस जो है वो वोल्केनिक रॉक से कवर्ड है। जाइंट कैल्डेरा जो है यहाँ का वो 100 किलोमीटर की डायमीटर में पाया जाता है। नासा का जो डिस्कवरी प्रोग्राम है उन्होंने सिलेक्ट किया है दो मिशन, दा विंची, इसका फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोवल गैसेज केमिस्ट्री एंड इमेजिंग विल बी होस्टेड बाय, और किसके द्वारा होस्ट किया जा रहा है, कॉम्पैक्ट अल्ट्रा वायलेट टू विजिबल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, QVIS इसका शॉर्ट फॉर्म है। दूसरा है वेरिटास। वेरिटास की इसलिए ये मिशन है, ये वहाँ की रॉक की टाइप की स्ट्रक्चर के बारे में पता करेगा, जो कि होस्ट किया जा रहा है डीप स्पेस एटॉमिक क्लॉक 2 के द्वारा। अबाउट प्लैनेट्स, अब क्या है, मार्स के बारे में समझते हैं। मार्स का जो है
द रॉक सॉयल एंड स्काई हैव रेड और पिंक शेड। यहाँ की रॉक सॉयल और स्काई आकाश का जो कलर है रेड और पिंक शेड में पाया जाता है। ऐसा इसलिए होता है, इसी कारण से इसका नाम पड़ा रेड प्लैनेट। स्ट्रेट लाइन जैसे इरिगेशन कैनाल क्रिस क्रॉस ऑन द सरफेस ऑफ सीजनल कलर, यहाँ पे सीजन का वेरिएशन देखने को मिलता है, इस कारण से इसके डिफरेंट कलर्स शो होते हैं। एटमोसफेयर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है और कुछ मात्रा में दूसरी भी गैसेज हैं। द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट इज फाउंड ग्रेविटी 1/3 ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के ग्रेविटी का 1/3 यहाँ पे ग्रेविटी पाया जाता है। और सिंगल जो मार्शियन डे होता है 25 आवर का होता है, जैसे पृथ्वी पे एक सिंगल डे 24 आवर का होता है और यहाँ पे 25 आवर का होता है, और उसे बोला जाता है सोल। मार्स हैज़ 2 मून्स, मार्स के 2 मून्स हैं नेचुरल सेटेलाइट जो होते हैं, फोबोस और डेमोस। अब हम समझते हैं जुपिटर के बारे में। जुपिटर जो है एक ह्यूज गैस प्लानट है जो बहुत सारे इसमें 1000 अर्थ समा सकते हैं, इतनी बड़ी इसकी साइज है। और यहाँ पे सॉलिड रॉकी कोर होता है जो 10-15 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ होता है। मास के अर्थ पृथ्वी के मास का ये 10-15 गुना बड़ा होता है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर जो होता है बहुत डीप होता है और हाइड्रोजन हीलियम का बना हुआ है मेनली। स्मॉल अमाउंट ऑफ मीथेन अमोनिया वाटर वेपर अदर कंपाउंड भी पाए जाते हैं। तो ये हम प्लैनेट्स के बारे में समझें। इसके आगे का भी एक पार्ट बनाऊंगा मैं, उसमें सारे प्लैनेट के बारे में डिटेल से समझा दूंगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।